नमस्कार, देश देशांतर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव की। बात होगी क्राइमिया में होने वाले जनमत संग्रह की और उस बीच रूसी सेना के यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में तैनाती की। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश और क्या इस संकट के लिए जो समाधान खोजने की कोशिश है वो कितनी रंग लाती नजर आ रही है। हमारे साथ इस खास चर्चा में कई खास मान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त मेजर रिटायर्ड जनरल अशोक मेहता साहब, सर स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोफेसर अनुराधा चिनाव जो कि प्रोफेसर हैं जेएनयू में, मैम आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप दीक्षित जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं, संदीप स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राजीव सीकरी हैं फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए से, राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मैं करना चाहूंगा जिस तरीके से राजीव जी अब तक के हालात और इस वक्त जो ताजा जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि जिस तरीके से सीमा पर अब सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है रूस ने, क्या माना जाए कि 16 तारीख को जो जनमत संग्रह होना है उससे पहले अब जो समाधान तलाशने की दिशा में तमाम कदम हैं वो कुछ कमजोर होते नजर आ रहे हैं, विकल्प कुछ और कम हुए हैं? हमें ये मान के चलना चाहिए कि क्रीमिया अब वास्तविकता में एक रूस का हिस्सा बन गया है। औपचारिक तौर पर बना हो ना हो वो एतवार को पता चल जाएगा, पर सारे उसके संबंध, सारे उसकी अर्थव्यवस्था, वहाँ की जनता तो रूस के साथ समर्थन कर रही है। और समाधान आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफ रूस कई कदम उठा रही है जैसे मैंने कहा, और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो जॉन से यूक्रेन के प्रधानमंत्री या नए प्रधानमंत्री उनको रिकग्नाइज सा कर लिया है, उनको व्हाइट हाउस में स्वागत किया है और वो चाहते हैं कि रूस ये मानकर चले कि जो हुआ था कीव की सड़कों में कुछ 2-3 हफ्ते पहले कि वो तो संवैधानिक था, वो सब ठीक हुआ। रूस कहता है कि हम नहीं मान सकते वो, तो इसलिए दोनों पक्षों की जो सी पोजिशंस हैं काफी दूर हैं अभी, और इसमें समाधान आसानी से नहीं होगा क्योंकि ये भी बात है कि कोई ना अपने घरेलू कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको दिखा सकते हैं कि हम पीछे हट गए हैं, और दूसरा मैं समझता हूं कि जहां तक रूस का सवाल है वहां के उनके लिए बहुत ही गंभीर और ठोस इंटरेस्ट हैं, कई कारण हैं जिससे कि रूस मेरे ख्याल में पीछे नहीं हटेगा। जी राजीव सीकरी साहब, मैं इंटरेस्ट पर भी लौटूंगा कि असल में जो अलग अलग इसमें शत्रप हैं, जो देश हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं और क्यों आखिर वो इस पूरे मसले पर अपने अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन उससे पहले मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, जिस तरीके से वहां पर ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है और अब जो यूक्रेन की ओर से बयान आ रहे हैं कि ये एक इंटरनल क्राइसिस है और जिस तरीके से रूस की दखलंदाजी है ये अनडेमोक्रेटिक है, यूएन से भी उन्होंने गुहार लगाई है, क्या आप देखते हैं कि जिस तरीके का स्टैंड अब तक रूस का दिखा है और जिसके आसपास का ताना बाना बुना है अब तक, वहां पर कहीं कोई स्कोप दिख रहा है यूएन के किसी वहां पर स्टेप के लेकर इंटरवीन करने को लेकर? अभी आज की हालात ऐसे है कि लंदन में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं दोनों फॉरेन विदेश मंत्री की बातचीत चल रही है और करीब आधे घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और इसके पहले जो बयान दिया है रूसी विदेश मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि अब कूटनीतिक संविधान के लिए टाइम निकल चुका है। और जो बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है वो ये है कि ये कूटनीति जब हो रही थी तो यूक्रेन के बॉर्डर पर रशियन एयरबॉर्न फोर्सेस का एक्सरसाइज चल रहा था आज, और उसी के साथ साथ ईस्ट यूक्रेन में आज ही और कल से वहां पर रायट्स की स्थिति पैदा हो गई है जिसमें प्रो रशिया और एंटी रशियन सिटीजन के नागरिकों के बीच में झड़प हो गई है खुलेआम, मैं कहूंगा सड़कों पर। तो रशिया ने, जैसे सीकरी साहब बता रहे थे कि रशिया के लिए ये तो जिंदगी मौत का
मामला है। सिक्योर सबसे बड़ी सुरक्षा की बात जो है इसमें रूस के लिए है, वो जो क्राइमिया का जो इलाका है, क्राइमिया का और जो नेवल बेस है उधर, वो रशिया के लिए, जो पहले सोवियत यूनियन के लिए, एक पावर प्रोजेक्शन के लिए मेडिटेरेनियन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है जो क्राइमिया का एरिया। 160 साल पहले वहां पर एक युद्ध भी हुआ है रशिया और टर्क बॉस्फोरस स्ट्रेट के। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रशिया के पास दूसरा जो पोर्ट है वो सीरिया में है, तो दोनों सीरिया पे भी अभी सिविल वॉर चल रही। लोग तो कह रहे हैं कि कहीं यूक्रेन एक सीरिया ना बन जाए, यानी कि आप कह रहे हैं इसीलिए शायद रूस ने जो कदम उठाया है वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और सबसे सपोर्ट जो कंट्री के अंदर है। जी हाँ, मैं एक बस जो पूरा दारोमदार है इसका वो सुरक्षा पर है, और जो वेस्टर्न ईस्ट वेस्ट का मामला है इसका लंबा इतिहास है, लेकिन जैसे ही यूरोपियन यूनियन और नेटो के बॉर्डर रशिया की तरफ बढ़ रहे हैं, रशिया इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। कल अगर श्रीलंका में कोई ऐसी ताकत आकर बैठ जाए 1988-89 पे जब IPKF का पार प्रोजेक्शन हुआ है, तो वास्तविक में क्या था वो तो हम जानते नहीं, लेकिन संतुलन के लिहाज से कोई उसे बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। संदीप जी, जिस तरीके के हालात अब हैं और जो ऐसा कि सीकरी साहब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अब स्कोप नहीं दिख रहा है, और एक तरीके से औपचारिक नहीं लेकिन अघोषित तौर पर यह मान लेना चाहिए अब कि क्राइमिया जो है वो रूस के साथ खड़ा हुआ है, क्या वाकई एक तरफ बातचीत, एक तरफ ट्रूप्स की तैनाती, फाइटर जेट वहां पर खड़े हो चुके हैं, किस तरीके के संकेत हैं, क्या किस तरह की ये राजनयिक पहल आपको नजर आ रही है? संकेत तो ये है कि पश्चिमी जो कूटनीति थी वो तो फरवरी 21 को हुई थी, जब तीन देशों के विदेश मंत्री यानकोविच से मिले, मैदान में सपोर्टर्स को एड्रेस किया और एक एग्रीमेंट किया यानकोविच के साथ कि मई में चुनाव कराए जाएंगे, 2004 के संविधान में कराए जाएंगे, और वो सारे एग्रीमेंट करीब करीब रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए, और एक भीड़ ने प्रेसिडेंशियल पैलेस को कब्जा कर लिया और बाकी जगह कब्जे कर ली। तो ये तो पश्चिम की कूटनीति थी, और उसी कूटनीति का जवाब रूस ने भी अपनी कूटनीति के थ्रू दिया क्रीमिया पेनिनसुला में बैठ के। और जैसा कि पहले वक्तव्यों ने बनाया, रूस को एक 1850 का डर है, जब क्रीमिया पेनिनसुला में हमला हुआ था ऑटोमान आर्मी और साथ में फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी का, तो रूस को अपनी क्रीमियन फ्लीट डुबो देनी पड़ी जिससे कि वो दुश्मनों के हाथ ना पड़े। आज रूस नहीं चाहता कि वो स्थिति आए जहां कि उसे अपनी फ्लीट लेके वहां से भागना पड़े और वहां से खाली करना पड़े, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पे पुतिन के लिए घातक सिद्ध होगा। और दूसरी बात, पुतिन को मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कीव में डिमॉन्स्ट्रेशन हुए इसमें 80% जो थे पश्चिमी देशों द्वारा फाइनेंस लोग या प्रेरणा लिए लोग थे, और अगर पुतिन इस पे टफ स्टैंड नहीं लेते तो 4 दिन बाद क्रेमलिन में के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और जहां उन विदेश मंत्रियों ने फरवरी 21 का एग्रीमेंट फाड़ दिया और मई तक इलेक्शन में के लिए नहीं इंतजार किया, तो वो तो रूस में भी 2018 के अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नहीं इंतजार करेंगे। तो इसलिए ये रूस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व की लड़ाई इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने बताया कि नेटो और यूरोपियन यूनियन ने बिना किसी रोक के, बिना सांस लिए 1997-98 से आज तक रूस को लगातार घेरने की कोशिश की। यूरोपियन यूनियन में आए, यूरोपियन यूनियन में पोलैंड और रोमानिया आए, उनके बहाने उनको नाटो में ले लिया गया, मिसाइलों की तैनाती की गई, हर तरफ से रूस को घेरने की कोशिश की गई। और आज रूस को ये मौका मिला है जबकि पश्चिम का जवाब पश्चिमी की भाषा में दिया जाए, जो कि ये दे रहा है। और जो आप कहते हैं आगे रास्ता क्या है, तो राजीव सिकरी साहब ने कहा कि कूटनीति से बहुत दूर बात चली गई है, सिकरी साहब का एक्सपीरियंस है तो नेचुरली, पर हम लोग ऑप्टिमिस्ट लोग हैं तो हम ऑप्टिमिस्ट हैं, हम सोचते हैं कि अगर वहाँ की जो जिन लोगों ने कीव में कब्जा किया हुआ है अगर वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाएं और फेडरलिज्म की तरफ बढ़ें, जहाँ की तातार,
रूसी, मोल्डोवियन, कजाक और यूक्रेनियन, उन सब की बात बराबरी से सुनी जाए तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। सिकरी साहब, क्या वाकई जो संदीप कह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्ट हैं हम लोग, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है एक फेडरल, एक डेमोक्रेटिक वहां पर सत्ता जो है वो आए, इसके चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके के संकेत और जिस तरीके की बात संदीप कर रहे हैं, वाकई कि कई बार सामने आई है कि वाकई जो रूस का दावा था या आरोप था कि उसे घेरने के लिए प्रायोजित कई सारे कार्यक्रम हुए हैं और शायद उसका जवाब उसने उसी तरीके की एक नई रणनीति से दिया है। नहीं, मैं उनसे सहमत हूं कि ये रूस को घेरने का एक कोशिश थी और कूटनीति के लिए अब समय नहीं रहा है। क्या कर लेंगे, क्योंकि जॉनसी सरकार कीव में बैठी हुई है, वो तो ईस्टर्न यूक्रेन की जॉनसी जनता है, उनके हितों का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है, उनका कोई बात नहीं सुनती है। वो उन्होंने रूसी भाषा को अवैध कह दिया है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ऐसी वैसी बातें करेंगे तो फिर उधर आक्रोश तो बढ़ेगा ही। और एक दो और मैं बातें कहना चाहता हूँ, जैसे जनरल अशोक मेहता ने कहा कि वो ब्लैक सी फ्लीट है और रशिया का नेवल पावर, वो तो बहुत ज़रूरी है, पर दो और बातें हैं। एक कि यूक्रेन, खासकर पूर्वी यूक्रेन और रूस के बीच में एक डिवाइडेड मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सारा उनका स्पेस, न्यूक्लियर और औद्योगिक और डिफेंस की जम से सामग्री का उत्पादन और उसका रिसर्च वगैरह सब बांटा हुआ है। तो अगर यूक्रेन रशिया से दूर चला जाता है तो रशिया की जो सी संभावनाएं हैं, रशिया की जो सी ताकत है इस क्षेत्र में, वो भी बहुत कम हो जाएगी जी। दूसरी बात, अगर आप यूक्रेन में एक एनिमी से बन जाता है या दोस्त मुल्क नहीं रहता है, तो यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई बॉर्डर तो है नहीं, कोई नेशनल बॉर्डर तो है नहीं। तो इसलिए क्रीमिया जो सा है, ये पहला गढ़ है। अगर क्रीमिया गिर गया तो फिर सारा साउथ से रशिया कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जो, और ये कतई नहीं रशिया स्वीकार करेगा जी। यानी सिकरी साहब, आप कह रहे हैं कि जो एक सुरक्षा घेरा रूस के लिहाज से, अगर बॉर्डर के लिहाज से देखें, ओपन बॉर्डर इस इलाके में पड़ता है और रूस का प्रयास यही कि अगर क्रीमिया के जरिए वहां पर वो कमजोर पड़ता है तो शायद उसके लिए बाकी जो दूसरे इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षित रहना मुश्किल होगा। जिस तरीके की बात हो रही है अनुराधा जी, असल में जो एक संकट दिख रहा था, संकट यह था कि आर्थिक तौर पर कहा जा रहा है कि यूक्रेन की हालत का खासी खराब थी, यूरोपीय यूनियन और दूसरे कंट्रीज ने थोड़ा सा इसी मसले को उभारते हुए इस दुखती रख पर हाथ रखा और रूस को घेरने की कोशिश की। लेकिन यूक्रेन की हालत की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियली जिस तरीके के हालात हैं, रूस के साथ जो संबंध रहे हैं, अगर उससे अलग होता है तो किस तरह की उसके सामने स्कोप दिखता है, किस तरह की संभावना उसके पास बसती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है जो सारे वक्ताओं ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो हमें वेस्टर्न प्रेस से मिल रहा है वो कुछ अलग ही मिल रहा है। तो ये जो पिक्चर आगे आई है ये बिल्कुल सही है, जो जियोपॉलिटिक्स हो रही है। अंदरूनी जो यूक्रेन की बात है, एक तो वो हमेशा ये देश पोलराइज रहा है जब से उनकी इंडिपेंडेंस हुई है। वहां पे एक वेस्टर्न साइड के जो लोग हैं वो ज्यादातर यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे ज्यादा जो साउथ और ईस्ट में रहते हैं और जो क्रीमिया में रहते हैं, वो उनका कहना है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंस है, गैस हमें जो जरूरी है, और बाकी सारा कुछ जो हम भाषा बोलते हैं वो सब रूस के साथ है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत डेट रिडन है। उनको 35 बिलियन सिर्फ इस साल चाहिए अफ्लोट रहने के लिए, और ईयू ने उनको एक नवंबर में एक ट्रेड डील दी, सिर्फ ट्रेड, और आईएमएफ ने बोला कि हम आपको लोन देंगे पर आप फिर ऑस्टेरिटी करो। यूक्रेन के जो साउथ और ईस्ट में लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्पेन में देखिए क्या हो रहा है, ऑस्टेरिटी और ईयू के ज्वाइन, तो उन्होंने वो बट गए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम लोग वेस्ट जाना चाहते हैं, बाकी कह रहे हैं हम रूस में, और दूसरी तौर वहां पे कुछ वेस्ट में न्यो नाट्सी ग्रुप्स भी हैं। आज उनके 4 मिनिस्टर नई गवर्नमेंट में है उन्होंने, और वहां पे यूरो मैदान में प्रोटेस्ट हुए कई हफ्ते, 100 लोग मारे गए,
उससे प्रेसिडेंट यानुकोविच को भागना पड़ा, लेकिन बाद में पता चला कैथरीन एश्टन और जो ईयू की रिप्रेजेंटेटिव है और इस्टोनियन प्राइम मिनिस्टर की बातचीत में पता चला कि जो अभी से जो सरकार बनी है उनके ही स्नाइपर्स ने इन लोगों को मारा था। तो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है और उसका फायदा यूरोपियन और नेटो और सब दूसरे कंट्रीज यहाँ पर लेना, बहुत पुराना इतिहास है जिसका जो तमाम बेमानों की राय है और जो अब तक सामने बातें आ रही कि जो रूस का दावा दिख रहा था, जो आरोप था, वो फिलहाल सच साबित होता नजर आ रहा है कि उसे घेरने की पूरी एक साजिश की जा रही है और इसीलिए उसने साफ किया कि वो अपने कदम पीछे हटाने नहीं जा रहे। छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे कैसे में क्राइमिया में जो हालात है कि वहां पर तमाम जो लोग हैं वो बैंक से अपना पूरा पैसा निकाल चुके हैं और 16 तारीख को जमा संग्रह होगा, उसके बाद की स्थिति क्या होने जा रही है, आर्थिक तौर पर यूक्रेन का क्या होगा और सैन्य ताकत के लिहाज से रूस और यूक्रेन के इस टकराव के बीच में स्थिति क्या बनेगी। ब्रेक के उस पार तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश देशांतर और आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की, क्राइमिया में होने वाले जनमत संग्रह की और इस बीच तमाम जो संभावित कदम हैं इस पूरे विवाद को हल करने के लिए उनके नतीजों और उसके सफर की। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, जिस तरीके के रिलेशन रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में और जो सामरिक ताकत उस पूरे अगर रीजन के लिहाज से देखा जाए, अब जब रिश्ते कड़वे होने शुरू हो रहे हैं, भविष्य का पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अगर सैन्य ताकत के लिहाज से देखा जाए तो किस तरीके का असर आप उस पूरे रीजन में देख रहे हैं इस संकट को देखते हुए? देखिए, ये जो सुरक्षा का मामला है इसमें एक 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 टाइम पर नेटो और वॉर्सॉ पैक्ट होता था। नेटो में 16 देश होते थे 1990 में, अब 28 और ईयू में 28 हो गए हैं, वॉर्सॉ पैक्ट ही नहीं है। तो हेनरी किसिंजर ने अभी पिछले हफ्ते वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने रशिया के का जो सुरक्षा का इंस्टिंक्ट है, जो भावना है, उसको प्रकट किया है कि उनको घेरे में डालने से ऐसी आपत्ति पैदा ना हो जाए जिससे यूक्रेन अगर उसमें डिस्टेबलाइज हो जाता है तो रेफ्यूजी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पर जो अलग किस्म के नागरिक हैं उनके बीच का तनाव बढ़ जाएगा। तो ये यूरोप के लिए, खासकर ऐसा देश जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी गई गुजरी है, उनका $73 बिलियन डेट है, नेगेटिव में 73 बिलियन है। और जो रशिया के साथ उनका डील था, वो रशिया ने उनको $35 बिलियन और गैस देने का बताया है। तो मैं समझता हूं अभी के लिए इसकी समस्या, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक क्राइमिया की स्थिति के बारे में कि क्राइमिया में क्या होगा, अब रेफरेंडम में वो जो 200,000 टाटर मुस्लिम थे वो इसमें न्यूट्रल रहेंगे या कैसे रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्राइमिया रशिया के साथ ही रहेगा। और तो एक तो क्राइमिया की बात हो गई, दूसरी यूक्रेन की बात। तो मैं समझता हूं कि शॉर्ट टर्म में इसकी कूटनीतिक कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म में भविष्य में यूक्रेन को एक न्यूट्रल देश बनाना चाहिए और उसको और क्राइमिया को ऑटोनोमस रीजन बनाकर कॉन्फेडरेसी विद यूक्रेन, यानी कि दोनों से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, दोनों तरफ से आखिर में ये इसको इसका समाधान निकल सकता है। सीकरी साहब, जो बात मेजर जनरल अशोक मेहता साहब कह रहे हैं कि क्या इसकी संभावनाएं अब दिख रही हैं कि
असल में अमेरिका का जो स्टैंड दिख रहा है, जो उसके तेवर दिख रहे थे पिछले अगर एक महीने में उनके बयानों को देखें तो धीरे धीरे वो जो सख्ती थी वो सख्ती धीरे धीरे कुछ कमजोर पड़ी है, कुछ गायब होती नजर आई है। इसके पीछे के रीजन क्या देख रहे हैं, क्योंकि क्या ये वाकई वजह है कि अमेरिका को भी पता है कि वहां पर हालात में फंसना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान जहां पर अभी वो बाहर नहीं निकल पाया है, उसके बाद एक नई लोकेशन में और जिस तरीके के आर्थिक हालात यूक्रेन में है उसके बाद वहां पर खड़े होना उसके साथ शायद बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये जो कह रहे हैं समाधान, ये 3 हफ्ते पहले हो सकता था, जब वो 21 फरवरी का समझौता हुआ तब रूस तैयार था, पर जब उन्होंने देखा कि अमेरिका की एक रवैया कुछ काफ़ी एंटी रशियन सा हो गया है तो पुतिन ने समझा कि मुझे इस कोई वक्त नहीं गंवाना चाहिए और जो मुझे करना है अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। अब दोनों साइड के लिए मुश्किल हो गया है पीछे हटना। हो सकता है, मैं नहीं समझता कि ये जो सी स्थिति है ये रशिया के फेवर में कम्प्लीटली है, क्योंकि रशिया भी यही चाहता होगा कि न्यूट्रल यूक्रेन रहे, पर कुछ ऐसी कुछ कोई कदम नहीं लिया गया पिछले 2-3 हफ्तों में जिससे कि रूस को कोई आश्वासन मिले, कोई तसल्ली मिले कि भाई हाँ सब ठीक ठाक हो सकता है, और अगर मामला हाथ से निकल गया तो बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए रूस ने ये जैसे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले लिए हैं। अब एक और बात भी है कि रूस में बहुत सी इमोशनल फीलिंग भी है, क्योंकि वहाँ यूक्रेन में रूसी मूल के बहुत से नागरिक रहते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि तमिलनाडु में लोग श्रीलंका के बारे में बहुत सोचते हैं और ये नहीं चाहते कि, तो वैसी स्थिति वहां भी है। और दूसरी बात एक और है जो कि कभी कही नहीं गई पर मैं समझता हूं कि रूस के दिमाग में हो सकती है कि अगर ये क्राइमिया के और ईस्टर्न यूक्रेन के जो उनसे नागरिक हैं, रूसी मूल के नागरिक रूस में आ जाएं तो रूस की जो सी घटती हुई जनसंख्या है वो आगे काफी बढ़ जाएगी और उसका आर्थिक और औद्योगिक और सारा पोटेंशियल जो है काफी बढ़ जाएगा जी। तो इसमें बहुत सी हाई स्टेक्स हैं, कई हाई स्टेक्स आप बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि रूस के लिए स्टेक्स जी रूस के लिए ज्यादा हाई स्टेक्स हैं, वेस्ट के लिए इतना नहीं है, क्योंकि वहां जो उलझन बनेगी उसका असर यूरोप के ऊपर भी पड़ेगा, और अभी तो अगले कुछ सालों के लिए वेस्टर्न यूरोप रूस की जो सी नेचुरल गैस है उस पर काफी निर्भर हैं, तो इस निर्भरता को कहां से हटाएंगे ये बड़ा मुश्किल है मामला जी। संदीप, तो क्या ये कहा जाए अगर बहुत ही कम शब्दों में कहना हो कि वाकई जब आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं आप तो उसके बाद कई देश पहले आपको आगे बढ़ाते हैं उसके बाद हाथ खींच लेते हैं, वही कुछ सिचुएशन इस वक्त यूक्रेन के साथ नजर आ रही है। बिल्कुल यही किया गया है, और पश्चिमी यूक्रेन की जनता जहां की ज्यादातर खेती पे निर्भर करती है और जहां की पर कैपिटा इनकम कम है पश्चिमी यूक्रेन से, वहां की जनता को ये सपने दिए गए हैं कि इस अगर आप यूरोपियन यूनियन में आ जाएंगे तो बिना रोक टोक के आप यूरोप में जा सकेंगे, पर जो उसमें बुद्धिजीवी वर्ग है उसने उनको आगाह किया है, उन्होंने कहा इसके जाने का मतलब है तुम्हारी खेती तो चौपट हो ही जाएगी क्योंकि सब्सिडी दे नहीं पाओगे, और साथ में जो भी उधर जाएगा यूरोपियन यूनियन में वो रोमानिया के लोगों की तरह या तो बैरे रहेंगे या ड्राइवर बन जाएंगे या चौकीदार बन जाएंगे। तो वाकई राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन को बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा यूरोपियन यूनियन को में अभी जाने का, और अभी बेहतर है अगर सद्बुद्धि आए, सद्बुद्धि आकर फेडरल आउटलुक की तरफ बढ़ें और साथ साथ अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करें। आप समझिए कि वहाँ भयंकर ठंड पड़ती है और नवंबर से यूक्रेन ने गैस का पैसा ही नहीं दिया है रूस को, तो बिना पैसा दिए बिना कुछ किए आंखें तो आप नहीं दिखा सकते ना किसी को। बिल्कुल, वाकई क्या नदा जी जो संदीप कह रहे बहुत अहम है कि रास्ता यूक्रेन के सामने सेफ जो रास्ता यही है कि जिस तरीके की डेमोक्रेटिक एक सरकार की बात हो रही, फेडरल सरकार की चुनाव कराने की बात हो रही थी, उसी मांग पर वो विचार करें और आगे बढ़ें, तभी शायद रूस यूक्रेन और क्राइमिया तीनों के लिहाज से वो सबसे मुफीद रहेगा। हाँ, और सिर्फ बाहर की नहीं, फेडरल सेक्युलर और इंडिपेंडेंट रहे वो दो, पर ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि 20 साल से
रूस ये कोशिश कर रहा है इनके साथ कि उनको इनकरेज कर रहा है, लेकिन वेस्ट के तरफ से उन्होंने पहले कुछ नहीं कहा कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना करें, आप प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम करें और फेडरल सिस्टम करें। तो अब तो ये संकेत दिख रहे हैं कि युद्ध हो सकता है, पर लेकिन ये अगर युद्ध हो तो ये यूरोप के लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि रेफरेंडम में भी उन्होंने बोस्निया का आधार दिया है कि बोस्निया में 2002 में ऐसे हुआ था। तो और यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता, उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस अभी खत्म नहीं है। तो रूस का मतलब ये ट्रूप मोबिलाइजेशन, पुतिन ने सीधा कहा है कि हम लोग यूक्रेनियन लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन जो रूसी भाषा बोलते हैं उनकी हम सुरक्षा एज ए लास्ट रिजॉर्ट करेंगे। तो अब वो अपने डिप्लोमेसी के पीछे अपने फोर्सेस आगे कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ सुलझाना होगा, क्योंकि यूरोप युद्ध अफोर्ड ही नहीं कर सकता, युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात जो की बात आ रही थी कि आर्थिक तौर पर शुरू होती है और समस्या वहीं पर शुरू होती है, और समाधान भी कहीं उसी आर्थिक जो शब्द है उसके इर्द गिर्द ही जाकर निकल सकता है, जिस तरीके की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं हमारे तमाम मेहमान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस अहम मसले पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के हमारे देश देशांतर में इतना ही, वक्त ब्रेक का है, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।